दोस्तों, मैं आपका अपने इस योर फूड वेज चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जाएंगे बहुत ही अच्छी और यूनिक सैमलियाँ, जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होंगी। एक बार बना करके देखेंगे ना, तो बार बार ऐसी खिली खिली सैमरी बनाने का मन अक्सर करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सामग्री लेनी है, और हम सामग्री लेते हैं। एक हमें कप मटर लेना है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर, आधा सा हमने पत्ता गोभी लिया है, लाल मिर्च लेनी है एक हमें, और मूंगफली ली है, जीरा लिया है, सोया सॉस भी लिया है, कटा हुआ हरा धनिया, अजीनोमोटो गरम मसाला, और वो हमने हल्दी और नमक मिर्ची मिक्स करके लिए हैं। ये हमने दो बड़े साइज़ के प्याज और सेम लिया, और पानी हम कटोरे के अंदाजे से ही डालेंगे। और कुकर रख लिया है हमने गैस पर। कुकर में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद है ना, हमें जीरा डालना है। जीरे को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें जो प्याज काटे थे बड़े साइज़ के, वो डालने हैं। और प्याज के बाद है ना, हमें पत्ता गोभी काटी थी वो भी डाल देनी। इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है, जिससे कि ये अच्छे तरीके से भून जाए। इसके बाद हमें ना हरे मटर लिए थे वो भी डाल देने, और टमाटर भी डाल देने हैं। इन सभी को हमें 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे भूनना है। अच्छे तरीके से पकने के बाद है ना, ये सैमलियों में पीछे खड़े खड़े से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हमें स्लो फ्लेम पर पहले ही भून लेना है इन्हें। इसके बाद है हम डालते हैं अब इसमें जो हमने मूंगफलियाँ और लाल मिर्ची ली थी, उन्हें डाल देते हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हमें कटा हुआ हरा धनिया था वो भी डाल देना है, और जो हमने इस कटोरी में सैमरी ली थी उसे हमें अच्छे पानी में 2-3 बार धो करके साफ डालना है। और हम सैमरी डालने के बाद थोड़ा हल्का सा चला लेते हैं, और स्लो फ्लेम रखें इस समय, क्योंकि हमें और मसाले ऐड करने हैं इसमें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल करके हमें इसमें, और ये सोया सॉस ली थी हमें वो भी डालनी है, क्योंकि बाद में अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा फिर। और अजीनोमोटो गरम मसाला भी डाल करके मिक्स कर देते हैं। और हमने गैस को फुल कर लिया है, क्योंकि हमने तेल में भूंज करके अच्छे तरीके से इसमें पानी तभी डालेंगे, तभी अच्छा लगेगा। और पानी हमें इसमें दो, जो हमने ये कटोरा सैम्पली लिया है, तो 1.5 गुना पानी डालना है इसमें। 1.5 कटोरा पानी डाल देते हैं, और ये भूनने के बाद अच्छी सी लगेंगी। इस तरीके से आप अपने घर पर सैमली बनाएंगे ना, तो मेहमान भी यह कहेंगे सैमली क्या बात है, इतनी बढ़िया सैमली बनती है जी। इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद है ना, हमें सैमलियों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें गैस को फुल फ्लेम कर देना है, क्योंकि तभी ये सैमलियों में अच्छी सीटी का प्रेशर बनेगा। और हाँ, ध्यान रहे हमें एक ही सीटी लगानी है, क्योंकि ज़्यादा लगाने के बाद गली सी हो जाएंगी। एक सीटी लगाने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोला है। उसके बाद सैमरी कुछ इस तरह खिली खिली बिखरी हुई दिखाई दे रही है। देखो कितनी बढ़िया और यूनिक सैमरी बन करके तैयार हुई है। एक बार घर पर आप बनाएंगे ना, मम्मी पापा दादी सब खुश होने वाले हैं, और 1 गुना की जगह 2 गुना सैमरी खा जाएंगी। हमें एक प्लेट पर सैमरी निकाल लेनी है। देखो कितनी बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सैमरी बन करके तैयार हो। आप इन सैमलियों को घर पर बनाकर खाएंगे ना, तो चाउमीन खाना पक्का भूल जाएंगी, क्योंकि ये है इतनी मज़ेदार सैमलियाँ। और इन्हें हमें पहले बताना भूल गए हैं, हमें सैमलियाँ पहले से भूंजी लेनी है, जब ये अच्छी बनेंगी। और हमें देखो चम्मच में कांटे वाली मिले ली हैं सैमलियाँ। खाने के बाद मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।